क्या हुआ बालवीर? रुक क्यों गए? उड़ गए ना होश तुम्हारे मेरे इस हिमदानव को देख कर। क्या हुआ? जम गए तुम्हारे कदम बर्फ में? अब दिखाओ अपनी हिम्मत मेरे इस हिमदानव की तरफ। उठाओ अपना कदम बालवीर। भयंकर परी, आज मेरे अंदर की सच्चाई की आग तुम्हें और तुम्हारे इस हिमदानों को पिघला कर ही रहेगी। और हाँ भयंकर परी, आज मेरे कदमों को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आज सवाल मेरा नहीं परीलोक के अस्तित्व का है। अच्छा तो ठीक, परीलोक को समाप्त करने से पहले मैं तुम्हें ही समाप्त कर देती हूँ। खत्म कर दो इसे। Yeah.
मेहर मेहर बेटा ये मेहर ये क्या आप लोग ग्रुप डांस करने वाले हैं क्या नहीं नहीं डांस तो मेहर ही करेगी नहीं मेहर डांस नहीं करेगी क्योंकि उसके पैर में चोट लगी है सर आप मेहर का नाम निकाल दीजिए और अपना कंपटीशन आगे बढ़ाइए नहीं पापा पर मैं डांस करने की कोशिश तो कर सकती हूँ तुम्हारे पैर में चोट आई है तुम कैसे डांस करोगी मुझे डांस करना है और जीतना है और हमें फैमिली नंबर वन भी तो बनना है ताकि हम आपके लिए स्कूटर जीत सके मुझे स्कूटर नहीं चाहिए मेहर स्कूटर के चक्कर में तुम्हारी तकलीफ बढ़ गई तो पर पापा मैं कुछ सुनना नहीं चाहता हम अभी के अभी डॉक्टर के पास जा रहे हैं नहीं पापा पहले मैं डांस करूंगी फिर ही जाऊंगी बिल्कुल नहीं तुम डांस नहीं करोगी ये मेरा आखिरी फैसला है पापा परियो लगता है बाहर का तूफान थम चुका है नटखट परी आप ऊपर जाइए और बाहर के मौसम का हाल बताइए जी बाल परी आपका अंदाजा बिल्कुल सही था बालपरी बाहर बर्फीला तूफान थम गया है इसका मतलब है बालवीर ने बर्फीले तूफान बनाने वाले यंत्र को नष्ट कर दिया नहीं तूफान का थमना जरूर भयंकर परी की कोई चाल होगी सही कहा गालपरी आपने इसलिए जब तक बालवीर आ नहीं जाता हमें हमें शत प्रतिशत निश्चिंत नहीं होना चाहिए हमें सतर्क रहना चाहिए पर बाल परी हम कब तक बालवीर का इंतजार करेंगे यहाँ रहकर तो हमें पता नहीं चलेगा कि ये तूफान बालवीर ने रोका है या ये भी भयंकर परी की कोई चाल है लेकिन हमारे पास यहाँ यहाँ रुकने के अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं है पर हम हाथ पे हाथ रखकर तो नहीं बैठ सकते ना आर पार परी हो सकता है बालवीर को हमारी जरूरत हो हाँ इस बात से तो हम भी सहमत है हमें से किसी परी को तो जाना ही होगा भयानक लोग सत्य की जांच करने के लिए बालपरी अगर आपकी आज्ञा हो तो हम भयानक लोग चले जाते हैं बालपरी क्या हम भी गाल परी के साथ जा सकते हैं हाँ यही ठीक होगा आप दोनों परियां मिलकर भयानक लोग चाहिए लेकिन सावधान रहिए क्योंकि भयंकर परी के खेल बहुत खतरनाक होते हैं जी बात परी जी आप एक बार और सोच लीजिए अगर नाम कट गया तो फिर मेहर इस प्रतियोगिता में डांस नहीं कर पाएगी पापा प्लीज मेरा फैसला पक्का है पापा आप एक बार मेहर के बारे में सोचिए बेटा मैं मेहर के बारे में ही सोच रहा हूँ दोबारा मत सोचिए अंकल आपने एकदम सही फैसला लिया है मोंटू तू चुप रह मैं जानता हूँ तूने ये सब जानबूझकर किया है तू नहीं चाहता कि मेहर डांस करे क्योंकि मेहर जीत जाएगी ना तू डरपोक है मोंटू डरपोक ए डरपोक मैं नहीं डरपोक तुम हो तुम इसीलिए हारने के डर से यहाँ चोट लगवा कर आए हो और पता नहीं
ये चोट लगी भी है नहीं, या सिर्फ बहाना है हार से बचने के लिए? नहीं मोंटू पिता, मेहर को वाकई में चोट लगी है। हमने हमारे बच्चों को ये सीख नहीं दी है कि हार से डरकर कोई बहाने बनाए। आंटी आप इन दोनों को जानते नहीं हो, ये मानो मैं ना बहुत बड़े ड्रामेबाज और बहानेबाज है। सबके सामने हारना ना पड़े इसीलिए चोट लगवा कर आया। और महर में मुकाबला करने की हिम्मत ही नहीं थी तो फिर हिस्सा क्यों लिया? बस बहुत हो गया मोंटू। महर रुको। मोंटू बेटा हमारे बच्चे क्या है कैसे हैं ये हम जानते हैं। सर आप अनाउंस कर दीजिए कि इस कंपटीशन में महर डांस करेंगे। मैं अमृत लाल डगली महर का दादाजी महर को आदेश देता हूं कि वो इस डांस कंपटीशन में डांस करे। लेकिन बापूजी लेकिन लेकिन कुछ नहीं बेटा, तुम्हें इस चोट से डर लग रही? नहीं नहीं ना, जब इसके दिल में इस चोट का डर नहीं है तो तुम लोग उसे क्यों डरा रहे हो? और इसे अगर कुछ होगा तो इसकी रक्षा के लिए गणपति बापा है ना। अरे ये तो छोटी मोटी चोट है। अरे ऐसी चोटें तो जिंदगी में लगती रहती है, तो क्या इसके डर से हम चलना छोड़ देंगे? नहीं ना, ये डर ही हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी होती है और मैं अपने परिवार को ऐसी डर की बैसाखियों पे चलने नहीं दूंगा। और महेश बेटा तू भूल गया, जब तू 10वीं कक्षा में था तब तुझे हार की शर्म से बचाने के लिए मैंने 100 मीटर की रेस में हिस्सा नहीं लेने दिया था। तब तूने ही आके मुझसे कहा था कि बापूजी हारने में कोई शर्म नहीं, पर कोशिश किए बिना अपनी जी जान लगाए बिना हार मान लेना ये जरूर शर्म की बात। और फिर तू जी जान लगा के दौड़ा था और पापा जीत गए? नहीं रेस तो नहीं जीता था वो, लेकिन मेरी नजरों में सच्चा विजेता तू ही था। उस दिन मेरा सर गर्व से ऊंचा हो गया था। और आज तू अपने ही बच्चों को साइड में हटने के लिए बोल रहा है, बिना कोशिश किए हार मानने के लिए कह रहा है। मैं गलत था बापूजी। सर इस कंपटीशन में महर हिस्सा लेगी और खूब जम के डांस करेगी, लेकिन सर एक रिक्वेस्ट, थोड़ी देर महर को आराम करने की इजाजत मिलेगी? ठीक है, आप लोग महर को आराम कराइए। थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा आ बेटा आओ, आजा बेटा। क्योंकि महर को चोट लगी है और उसे थोड़े आराम की जरूरत है, तब तक हम अपने आखिरी प्रतियोगी जो कि है मिंटी, उसे स्टेज पर डांस के लिए बुलाते हैं। बॉस अब पहले से इतना चौड़े हो, स्टेज पे जाके इतने चौड़े आने की क्या जरूरत थी? पर बॉस इतने चौड़े होगे ना तो एक दिन फट जाओगे। बेवकूफो यही तो हम चाहते हैं। मिंटी सेम टू सेम डांस महर जैसा करेगी। अगर मिंटी पहले वो डांस करेगी तो महर क्या करेगी? वाह बॉस वाह 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 वाह। मिंटी ने क्या डांस किया है? अरे क्या डांस किया है? क्यों तूने नहीं देखा? बापूजी अभी आपने महर का डांस नहीं देखा है। तो वो अब देखेंगे ना? नहीं देखेंगे दादाजी, क्योंकि इस मिंटी ने मेरा सेम टू सेम वो ही डांस किया है जो मैंने अपने प्रैक्टिस में किया था। ये तो बेईमानी है, मैं अभी जाके जज के साथ बात करता हूँ। बापूजी कोई फायदा नहीं है, हम लोग क्या सबूत देंगे कि ये महर का ही डांस था? हम लोगों को लगेगा कि हम लोग डर कर कोई बहाना बना रहे। लेकिन अब ये महर क्या करेगी?
महर का नाम तो अभी अनाउंस होने वाला है। बहुत ही मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी मिंटी को इस कंपटीशन में टक्कर देने के लिए आ रही हैं मेहर दगली, दगली परिवार से। मेहर के लिए ये डांस प्रतियोगिता एक बहुत बड़ी परीक्षा होगी, क्योंकि अगर मेहर दगली हार जाती हैं तो लखानी परिवार 3 पॉइंट से विजेता घोषित होगा और साथ में जीत जाएगा चमचमाता स्कूटर। पापा, मम्मी, इनसे कह दो मैं डांस परफॉर्मेंस नहीं करूंगी।